ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ज्वाला जी के अधीन पड़ने वाली एक पंचायत के प्रधान पर उप क्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उप प्रधान ने उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की है। डीएसपी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है और आगे की छानबीन जारी है। ज्वाला जी के अधीन पड़ने वाले एक पंचायत के प्रधान पर उक्त क्षेत्र की ही रहने वाली एक महिला ने संगीन आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उक्त प्रधान ने उसके घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की। डीएसपी तिलकराज ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा 452, 454 ए, 504 व 506 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार ये मामला बीते 18 जून शाम के समय का है। इस संबंध में महिला ने थाना ज्वालाजी में शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके पति का उसके साथ तलाक हो गया है और वह अपने बच्चों सहित अपने माता पिता के घर में रहती है। महिला का आरोप है कि 18 जून को शाम को 6 बजे के करीब जब वह घर में अकेली थी तो पंचायत प्रधान जबरदस्ती उसके घर में घुस गया व उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। महिला का आरोप है कि इस बीच प्रधान ने उसके साथ हाथापाई भी की और उसके कपड़े तक भी फाड़ दिए। महिला का कहना है कि इस बीच उसने अपने बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, तभी उनकी माता यहां घर पर पहुंच गई व उसे देख पंचायत प्रधान यहां से रफू चक्कर हो गया। साथ ही इस मामले को लेकर जाति बार प्रधान उसे व उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर गया। यही नहीं, महिला ने पंचायत प्रधान पर आरोप लगाया है कि वह इससे पहले भी कई बार उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुका है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पंचायत प्रधान ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। साथ ही उसे बेवजह बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, ऐसा प्रधान का कहना है। बहरहाल पुलिस इस मामले में सभी के बयान दर्ज कर रही है, साथ ही मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। प्रधान पर भी अश्लील हरकतें करने का आरोप एक महिला ने लगाया, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। एक शिकायत इस नर में आई है, इसके भी अपने होना 153 ए में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन प्रोसेस है, तो सच्चाई जल्दी सामने आएगी।